इस वक्त अगर विश्व स्तर पर देखा जाए तो अगर सबसे ज्यादा भड़का हुआ कोई मुद्दा है तो वो मुद्दा है पर्यावरण का। हर देश पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई ना कोई कदम उठा रहा है। कहीं पर प्लास्टिक बैन हो रहा है तो कहीं पर वृक्षारोपण पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में मशहूर बियर कंपनी कार्ल्सबर्ग ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। कार्ल्सबर्ग का कहना है कि उसने पेपर निर्मित बियर की बोतल बना ली है जिसमें लकड़ी और फाइबर का भी इस्तेमाल किया गया है। कंपनी ने बताया कि इस बोतल के अंदर और बाहर पॉलीएथिलीन टेट्राफेटलेट और पॉलीएथिलीन फ्यूरानोएट नामक इन दो पॉलीमर्स की झिल्ली लगाई गई है जो कि पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों से बनी है और 100% बायोडिग्रेडेबल है। दरअसल कार्ल्सबर्ग कंपनी का लक्ष्य है कि 2030 तक उसकी शराब की भट्टियां जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य प्राप्त कर लें। कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट ऑफ डेवलपमेंट मरियम शिंगलोटो ने बताया कि नवीनीकरण में वक्त लगता है, यह एक दिन में संभव नहीं है, पर हम अपने प्रमुख विशेषज्ञों के साथ इस काम में लगे हुए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि बोतलों को बनाने के लिए एल्युमिनियम और शीशे की जगह पेपर को चुनने के पीछे का मकसद यह भी था कि पेपर से बोतल बनाने में प्रोडक्शन में भी कम खर्च आता है और साथ ही ये सस्टेनेबल भी है। कोपेगन में आयोजित C40 अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में हुई एक घोषणा में बताया गया कि कंपनी कार्ल्सबर्ग इस मॉडल पर 2015 से ही काम कर रहा था। कार्ल्सबर्ग के साथ इस मॉडल पर टेक कंपनी इको एक्सपैक और डेनिश टेक्निकल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता भी साथ में काम कर रहे थे। बिली डॉक्सनाक्स नामक कंपनी की मदद से टेस्ट बोटल्स को बनाया गया है। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ऐसी ही ढेर सारी खबरें देखने के लिए हमारा YouTube चैनल पर्यावरण पोस्ट को सब्सक्राइब करें।